Hello guys, how are you? Assalamu alaikum. This is Shafqat Aman Sumro, your host, and today we are going to talk about income from business and profession. So before we go further, I would like to ask you to do subscribe my channel so that you will get more videos, and also press the bell icon as for the further videos. So here we go. Let's talk about इनकम फ्रॉम बिजनेस. सो आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, के इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सके थे एंड हाउ यू विल जस्ट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर इनकम. सो हियर वी गो, जस्ट सी इट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड जिसमें ट्रेड आ जाए, कॉमर्स आ जाए, मैन्युफैक्चर आ जाए, एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर लें, कोई ऐसी चीज़ जगह लें जो मतलब नेचर ऑफ ट्रेड में आ जाए, कॉमर्स में आ जाए और मैन्युफैक्चर में आ जाए, सो दे ऑल आर कम्स इन टू दी शेडो ऑफ बिजनेस, कि वो बिजनेस के शेडो में आ जाते हैं. समथिंग कॉल परचेजिंग एंड सेलिंग, दस कॉल रिटेलिंग, कि वो रिटेलिंग में आ जाते हैं. इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सेलिंग, तो वो प्रोड्यूशन प्रोडक्शन भी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है. सो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एडिशन होती है हमारे यहाँ बिजनेस में. सो व्हाट ट्रेड, ट्रेड मीन्स क्या है? सो इट मीन्स के इट मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स कैरीड ऑन विथ प्रॉफिट मोटिव. जब हम कहते हैं कि मैं यार मतलब हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मैंने कुछ परचेजिंग की है, नाउ सेलिंग कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, सो डेट समथिंग कॉल की ट्रेड. रिटेलिंग इज ऑल्सो ट्रेड, कि आप जो है ना वो परचेजिंग करें, सब मर्चेंडाइज परचेज करके आ रहे हैं एंड यू आर सेलिंग, सो दैट समथिंग कॉल्ड की ट्रेड. देन वी विल टॉक अबाउट कॉमर्स. कॉमर्स जो होती है ना वो लार्ज मतलब स्केल पे होती है, वो ट्रेड ही होता है, नो डाउट इट्स ट्रेड, बट इतना लार्ज स्केल. समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, समथिंग कॉल्ड यू में से कि प्रोडक्शन हो जाते, फैक्ट्रीज हो जाती हैं, तो वो बड़े बड़े स्केल पे जो है ना वो सेलिंग करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स करते हैं, होलसेलर्स होते हैं, जो मार्ट होते हैं दे आर द कॉमर्स, मतलब वो लार्ज स्केल पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं. देन थर्ड वन इज़ दैट मैन्युफैक्चर, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो रॉ मटेरियल लेके इनपुट को फिजिकली प्रोसेसिंग करके आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, सो वो होता है बेसिकली मैन्युफैक्चर. देन एनी एडवेंचर आर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, मतलब वो केस होता है सिंगल आर्टिकल, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं जिसमें एसएससी को बिजनेस पे या ट्रेड, मतलब वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसको रिलेटेड करवा जा रहा है ट्रेड या कॉमर्स के साथ, मतलब उसकी जो नेचर है ना, वो उसकी जो वे वे ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन दैट इज इन द ट्रेड इन द कॉमर्स, कि वो जो ट्रांजेक्शन है ना वो ट्रेड में आ रही है, कॉमर्स में आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो कम्स इन द बिजनेस. असेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है? जो लाजमी है आपको एनी हाउ फॉलो करने, रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजेक्शन, रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजेक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, के आपको मतलब वो ट्रांजेक्शन है ना वो एनी हाउ करनी होती है, उसको रेगुलेट करना होता है, वो एज पर लॉ होनी चाहिए. एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होती है, कि मतलब वो जो है ना एक्टिविटीज़ है वो ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आज आपने बिजनेस कर लिया, आज आपने स्टार्ट कर लिया, देन एट आफ्टर 1 month यू हैव इन फाउंड एनी प्रॉफिट जस्ट शट डाउन इट. डोंट, रियली डोंट. इन द बिजनेस यू विल गॉट लॉसेस, लॉसेस होते हैं, बियर भी करते हैं बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो देयर, बट आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एक्टिविटीज को जनरेट करना. फिर दूसरा फीचर्स क्या है, असेंशियल फीचर्स क्या है, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वैल्यू एंड टू सी एस आर. सो दीज आर समथिंग कॉल के ये बिजनेस, तो मेजर चीज़ ये है कि आपको प्रॉफिट पे ही ध्यान देना चाहिए. देन थर्ड वन इज देयर एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड स्किल्स, कि आप लेबर्स को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में लेबर्स तो होना होगा ही होगा, मशीन तो आजकल मतलब इतना दूर रैपिडली चेंज नहीं हुआ, मशीन को भी यूज़ करने के लिए आपको लेबर रखना पड़ेगा, मतलब मशीन ऑटोमेटिकली तो वर्क नहीं किया, उसको भी चलाने के लिए टेक्नीशियन तो नीडेड है, कोई स्किल्स नीडेड है, कोई एक्सपीरियंस नीडेड है, सो यू हैव टू नो कि मतलब उसमें वो चीज़ होगी कि बिजनेस चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस नीडेड चाहिए, स्किल्स नीडेड चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समथिंग का लेबर होना चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नीडी. नाउ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, सो ये चीज़ें देख ले.
मर्चेंट्स ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जिस साल पे आप कर रहे हैं ना, आप उस पे ही रखें उसको, वो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो उसी साल पे मेंशन होगा और उसी साल पे उसको टैक्स लगेगा, वो उसी साल के रेवेन्यू से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल वाले जो रेवेन्यू है, जो पिछले 2 साल वाले कलेक्ट किए, वो आज रिकॉर्ड करें, नेवर। वो वहीं पे रिकॉर्ड होने चाहिए, उसको एडजस्ट करके वहीं पर रख लें, आपको पैसे मिले वो वहीं के ही हैं। सो यहाँ आपने अकाउंट रिसीवेबल बना लिया होगा, वो आप उसको देख लें। बट द इशूज दैट कि यू अब यू हैव टू थिंक कि मतलब जिस साल हमने ट्रांजेक्शन की हुई है, हम उसी साल उसको रखेंगे। इनकम डिराइव फ्रॉम ट्रेड, जो इनकम ट्रेड से आ रही है, प्रोफेशनल एसोसिएशन स्पेसिफिक सर्विस रेंडर टू इट्स मेंबर। अगर कोई आपका मेंबर है, अगर कोई आपका मतलब सेल्स एजेंट है, वो कोई सर्विसेज दे रहा है, सो वो भी इनकम जनरेट कर रहा है, तो देट इज ऑल्सो कम्स इन योर शेडोज, कि वो आपके शेडो में आएगी। प्रॉफिट ऑन सोल सेल इम्पोर्ट इंसेंटिव बाय वे कंपनसेंट्री सपोर्ट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ड्यूटी। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो आपको प्रॉफिट दिला रही हैं, सेल ऑफ इम्पोर्ट, आप इम्पोर्ट लेके यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उस पर लाइसेंस है, इस पर कॉपी राइट है, या कोई ऐसी वे ऑफ कैश है जिसपे आप कंपनसेंट्री सपोर्ट करवा रहे हैं, तो सारा अमाउंट जो जमा हो रहा है उस पर भी टैक्स लगने वाला है, वो भी आपकी प्रॉफिट एंड गेन ही है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स आर प्रिक्यूस, प्रिक्यूस मतलब जो फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, वेदर कन्वर्टेबल इंटू मनी आर नॉट राइजिंग फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन। जो वैल्यू है ना बेनिफिट की, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, फिर वो पैसे में हो या ना हो, मतलब कुछ तो दे रहे हैं ना, कोई तो चीज़ आपको दे रहे हैं वो, बट दे डेट इज़ रिलेटेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, वो जो है ना बिजनेस से भी रिलेट कर रहे हैं, प्रोफेशन से भी रिलेट करिए। सो ये भी एक किस्म की टैक्सेस पे आता है। फिर एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन, वो चीज़ें जो हमें मिल रही है, हम रिसीव कर रहे हैं एज अ फर्म, सो वो सारी चीज़ें ऐड होंगी किसमें, बिजनेस इनकम में। ठीक है, एनी सम रिसीव्ड आर मतलब कोई भी पैसा आपको मिल रहा है इन कैश अंडर एन एग्री, किसी एग्रीमेंट आपने काम कर ली या कोई अपने पार्टनरशिप कर ली, उसमें भी आपको पैसा जनरेट मिल रहा है, तो वो भी बेसिकली है तो आपका बिजनेस ही। उसमें अगर आप किसी किस्म के दूसरे किस्म के पैसे भी जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको ऐड करने चाहिए, ताकि पता चले। ऐड करने का एक वाहिद, एक ही मतलब क्या कहा जाए कि वे है या मतलब लाजमी है, ताकि आपको पता चले कि आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। आप ट्रांजेक्शन करेंगे, एफपीआई में रिकॉर्ड हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, आपने कोई एक्टिविटीज की, आपने कोई रन किया है, तो वो सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। फिर सम रिसीव्ड एनी सम जो बोनसेस होते हैं रिसीव्ड अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी हो जो इंश्योरेंस की हो, तो उसमें भी बेसिकली लग सकता है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, कोई किस्म का रिस्की बिजनेस हो, वो उस पर भी लगता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ केसेस हैं हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 22 के, बेसिस ऑफ चार्जेस व्हेन देयर आर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप फिलहाल दुकान बंद कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, दुकान बंद हो गया, विथ अपडेट ऑफ ट्राइडिंग क्राइसिस, कोई क्राइसिस हो रही है, सच ए पीरियड ऑफ द मशीनरी देयर इज टू बी देयर टू यूज द इन द बिजनेस इज रीज आउट, देन रेंटल इनकम देयर इज फ्रॉम बिजनेस इज टू बी आइडेंटिफाई। मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे उस लीज में जो इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, जो मशीन है, सो क्या वो बिजनेस इनकम है या इट्स बिजनेस इनकम, वो बिजनेस इनकम ही है, क्योंकि आपने लीज तो दी हुई है ना, आपने ट्रांजेक्शन तो की हुई है, फिर वो यूज़ नहीं हो रही, उस पर हमारा क्या, मशीन हमने दे दी लेट सपोर्ट, अगर आपने अनाज के लिए थ्रेशर दे दिया है, वो लीज पे दे दिया है, सडनली बारिश पड़ जाए और अनफॉर्चुनेटली मतलब फसल ना हो, तो वो थ्रेशर वापस थोड़ी आएगा, मतलब आएगा तो सही, बट रेंटल इनकम तो उस पर चार्ज होगी, क्योंकि एक्टिविटीज तो डन हो चुकी हैं, ट्रांजेक्शन तो हमारी हो चुकी हैं, डेट इज बिजनेस इनकम। लीज ऑफ द फैक्ट्री आफ्टर असेसी स्टार्ट बिजनेस विद द नो इंटेंशन ऑफ रिवाइविंग द बिजनेस विल अमाउंट टू अर्निंग लीज रेंटल। तो ये जो लीज ऑफ फैक्ट्री होती है, मीन फैक्ट्री भी आप लीज पे दे दें, फिर अगर असेसी स्टॉप कर देता है, वो बिजनेस नहीं करता, तो आप उसको मतलब ऐसे नहीं कहते कि यार मतलब बिजनेस नहीं चल रहा था, हम पैसे नहीं देने, यू हैव टू पे बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एक किस्म का अमाउंट आपने देने की बारी की है, वो तो अब वो क्राइसिस हो गया, वो अल्लाह को मालूम है। सो ऑन दैट टाइम ऐसे किस्म में, ऐसी बात में जिसमें उसका इंटेंशंस रिवाइविंग हो, कि वो अर्निंग रेंटल मतलब नो इंटेंशन हो, उसको कोई इंटेंशन ना हो कि बिजनेस को बंद करना या नहीं करना। इट इज नॉट द नेचर ऑफ बिजनेस इनकम, इन सच अ केस द इनकम इज एक्सेसिबल हेड इनकम फ्राम अदर सोर्स। अगर ऐसे सूरत में हो कि आप जो है ना मतलब कोई फैक्ट्री लीज में दे दें,
और वो स्टार्ट कर दे बिजनेस विथ नो इंटेंशन, किसी इंटेंशन में ना हो, और सडनली यू विल फाउंड सम अर्न रेंटल लीज, तो उसको रेंटल क्या कहते हैं, क्या यार, अदर इनकम में आप शो करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि वो बिजनेस में नहीं आ रही। अगर बिजनेस होता तो वो रन होता। अगर आपने किसी को ऐसे संगत में दे दी है तो ये डेट समथिंग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट फ्रॉम बिजनेसेस। ठीक है, एज अ ओनर, अगर आप अलग मालिक हैं तो। फिर एक और चार्जेस आ जाते हैं, कैश लॉस, बेसिस ऑफ चार्जेस। मैं आई थिंक मे बी इट विल बी कन्फ्यूजन फॉर यू गाइस, मैं इसको फिर से रिव्यू करूँ। इसमें सवाल किया गया है कि लीज ऑफ फैक्ट्री आफ्टर असेसेस स्टॉप बिजनेस विथ नो इंटेंशन ऑफ रिवाइविंग द बिजनेस विल अमाउंट टू अर्निंग रेंटल लीज। आप किसी को लीज या मकादे पे कोई ज़मीन दे दें और सडनली जो असेसी है, जो ओनर है, जो या लेजर है, लेसर लेसर किस्म कहते हैं, जो लीज दे रहा है, उसका उसको माइंड में आ जाए कि ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये जो मैंने आपको चीज़ दी है लीज पे, दिस इज नॉट रिलेटेड विथ माई बिजनेस, ये मैंने आपको मतलब सम अदर पर्पज के लिए दी है। सो वहाँ से जो इनकम आएगी ना, मतलब कि वो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लगेगी, क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। बिजनेस रिलेटेड अगर होती तो वो ऐड होती, उसका नेचर ऑफ बिजनेस होता। हमें ये भी देखना चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ जो है ना, वो नेचर ऑफ ट्रेड से रिलेटेड होती है या नहीं होती है। आप किसी को लीज पे अपना बागीचा दे रहे हैं तो वो तो ट्रेड के नेचर में नहीं आ रहा, वो आपने किसी को मकादे पे दे दिया है। उससे जो मतलब जनरेट होगी मतलब इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है, क्योंकि यू आर द ओनर। फिर बींग ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी इस पर और बात कर लेता हूँ कि अगर आप किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सो आपने अपना एक प्लांट किसी और को दे दिया है, क्योंकि आप उस पर बिजनेस नहीं कर रहे, आप उस पर ट्रेड नहीं कर रहे, आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे, जस्ट आपने किसी और को दे दी पार्टी पर आप यूज पर ऑन डेट टाइम, सो यू विल गॉट जो भी इनकम आपको मिलेगी वो सारी जो है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगी, ना कि योर बिजनेस इनकम में होगी। फिर हाँ है परचेज, मैंने 500 शेयर परचेज किए रिलायंस के एंड स्टॉक एक्सचेंज में रख के उसको सोल्ड कर दिया, वेदर द ट्रांजेक्शन वुड बी अंडर स्पेक्चुलेटिव बिजनेस आर नॉट। ये स्पेचुलेटिव बिजनेस में आएगी या नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन जो है ना, वो रिस्की ट्रांजेक्शन थी। एज पर सेक्शन 40 द इनकम टैक्स है, इंट्रा डे मतलब ऐसी दिन पे, जिस दिन पे आपने परचेज की उसी दिन पे सेल करी, इंट्रा डे उसको कहते हैं, शैल बी कंसिडर्ड स्पेचुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इनकम देयर फॉर वुड बी आइदर स्पेचुलेशन गेंस और स्पेशल स्पेक्चुलेशन लॉस। वो इनकम बिजनेस ही होगा मतलब, बट जो मतलब आपको गेन मिलेगा ना, वो स्पेक्चुलेशन गेन होगा, स्पेक्चुलेशन लॉस होगा, जो आपने रिस्क खेल के आपने वो रिसीव किया है। लॉ बेसिस ऑफ द चार्जेस, हम एक और केस लेके आए हैं, अगर कोई असेसी है जो परचेस कर रहा है प्लाट और लैंड एंड बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स ऑन इट, कोई बड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोई मॉल बना रहा है, डिवाइड इनटू ऑफिस स्पेस एंड सेल्स ईच ऑफ दिस, देयर बाय मेकिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द सेंट्रल टेरिटरी। एक मालिक है, वो उसने कंपार्टमेंट बना लिया, एक बड़ा सा मार्ट बना लिया, और उसने हर एक ऑफिस को, हर एक रूम को सेल किया है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, तो क्या ये बिजनेस का है एनी एडवेंचर? अब ये देखें ना आप, है तो किस्म का एक एडवेंचर, कोई बिजनेस है नहीं, लेकिन इसका जो बेसिकली नेचर है ना, वो मतलब मैन्युफैक्चर करके ट्रांजैक्शन करने का है। सो ऑन दिस टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ ये चीज़ जो है ना, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाती है, ये बिजनेस है। अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन आउटसाइड द असेसी लाइन बिजनेस में कंसिडर एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड और इन कॉमर्स, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मतलब देखे क्या है कि सॉरी, नेचर ऑफ जो ट्रेड है, नेचर ऑफ जो बिजनेस है, नेचर ऑफ कॉमर्स है, उसमें ये लाइक कर रही है। डेट्स वाई हम इसको ऐसे नहीं कह सकते ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इट इज़ ऑल्सो इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, कि वो बेसिकली बिजनेस तो कर रहा है, इसकी जो मतलब सोच है, जो से उसने मतलब एक किस्म का प्रोसेस को फॉलो किया है, डेट इज कम्स इन द बिजनेस, कि वो बिजनेस में आ रही है। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग है क्या बिजनेस में? बिजनेस में हम मेथड ऑफ अकाउंट, एक होता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रुअल बेस्ड और मर्केंटाइल बेस्ड अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंट में आप पैसे लेते हैं, कैश लेते हैं, मतलब सेल्स हो गया, सेल आपने कर दी, पैसे आपको मिल के, समथिंग कॉल रिकॉग्नाइज एंड अर्न, मतलब दिस इज समथिंग ऑल कैश अकाउंटिंग होता है, कि मतलब आपने जो सर्विस दी है उस वक्त दे दी, उसने ले ली, फिर उसने आपको क्या कहा जाए कि पैसा दे दिए। एंड व्हाट अबाउट अक्रियल,
और मर्केंटाइल बेस अकाउंटिंग, इसमें अभी मतलब रिकॉग्नाइज्ड लेके हो या ना हो, रियलाइज्ड हो या ना हो, लेकिन कैश इज स्टिल नॉट रिसीव्ड, कि वो जो है ना कैश वो रिसीव नहीं है, वो अक्यूअल हो रही है, मतलब वो अकाउंट रिसीवेबल में जा रही है, अकाउंट पेबल में जा रही है, अनअर्न्ड रेवेन्यू में जा रही है, मतलब वो अक्यूअल हो रही है, मतलब वो अभी तक कम्प्लीटली ट्रांजेक्ट नहीं हुआ, कैश अकाउंटिंग में वो कम्प्लीटली ट्रांजेक्ट हो जाता है, आपने ली और दी। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि मतलब आपने अभी फिलहाल दी नहीं है, या तो सर्विसेज नहीं दी है, समथिंग का अनअर्न्ड रेवेन्यू है, या फिर आपको ये हो सकता है कि आपने सर्विस दी अभी तक पैसे नहीं मिले, अकाउंट रिसीवेबल बन गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आल्सो। इट इज़ कंपल्सरी टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट्स, तमाम लाजमी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिजनेस ज्वाइन चला रहे हैं तो यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंटिंग बुक, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शंस की, क्या हुआ। इट्स वेरी नेसेसरी। इफ द इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम बिजनेस इज मोर देन 1.2 लैक्स ऑफ इज टोटल सेल्स रिसीट्स आर मोर देन 10 लैक्स इन एनी लास्ट 3 ईयर्स, ओके, इन एनी ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, अगर उसी किसी कोई बिजनेस चल रहा है उसका मतलब मोर देन 1.2 लैक्स आ रहा है एक मंथ में, एंड उसकी सेल्स रिसीव्ड मोर देन 10 लैक्स फॉर 1 ईयर, फिर लास्ट किसी भी 3 साल में उसका 10 लाख से ज़्यादा सेल्स बढ़ी, तो उसको अकाउंट मेंटेन करना बहुत लाजमी होता है। इन केस ऑफ न्यूली स्टार्ट बिजनेस, अगर कोई उसने किसी ने न्यू बिजनेस लगा, इफ़ द एक्सपेक्टेड इनकम आर रिसीट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड अबव लिमिट्स, फिर उस पर मतलब थोड़ी बहुत लिमिट बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक वो अकाउंट मेंटेन करे सो यू कैन यूज़ इट, उसमें कोई इशू इतना नहीं होता, लेकिन अकाउंट लाजमी करना बहुत लाजमी है। अगर आप न्यूज़ बिजनेस में आ रहे हैं फिर भी आपको अकाउंट मेंटेन करना लाजमी है, फिर लिमिट बढ़ जाए कोई इशू नहीं, पर अकाउंट तो मेंटेन होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेट इज पीपल केयरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या मतलब आईटी का कोई काम है या बिजनेस है जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विस दी जा रही है, उसमें भी आपको क्या कहा जाए कि अकाउंट को मेंटेन करना बहुत लाजमी है। ओके, सो अब इस पे बात कर लेते हैं। व्हाट बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड टू मे मेंटेन बाय अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस अंडर द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में कौन कौन से मतलब क्या कहा जाए कि अकाउंट्स है जो मेंटेन करने बहुत लाजमी है। द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब, ये जो एक्ट है ना, ये जो लॉ, ये कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता स्पेसिफिक बुक ऑफ अकाउंट ऑफ आर बिजनेस। हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन योर अकाउंट इन सच अ फैशन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैन रीजनेबली एंड ईजिली बी अराइव्ड एट बाय द डिपार्टमेंट, जब मतलब आपको एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट यूज़ करना चाहिए जिससे आप ईजिली जो है ना पता चल जाए कि आपके पास कितना सेल हुई है, कितनी आपको पास ट्रांजेक्शन्स हुई है, आपको पता होना चाहिए कैसे हुई है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि जो चीज़ें आपके असेट में आ रही है वो असेट में हो, जो लाइबिलिटी में आ रही है वो लाइबिलिटी में हो। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मतलब डिपेंड, इट्स नॉट डिपेंड कि आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करें। पाकिस्तान में तो IFRS फॉलो होता है, सो यू हैव टू फॉलो द IFRS, पर मोस्टली पीपल डोंट नो व्हाट इज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दीज आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर गिवन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, IFRS। सो डू द स्मॉल ट्रेडर नीड टू मेंटेन एन अकाउंट, या ऑब्वियसली हैज टू मेंटेन अकाउंट, तो कैसे पता चलेगा आपका एनुअल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट क्या है, अगर उसकी 10 लाख से ज़्यादा है महंथ, मतलब हाँ 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब 1,20,000 पर मंथ से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो यू हैव टू मेंटेन इट, उसको मेंटेन करना बहुत लाजमी है, क्योंकि 1,20,000 प्रॉफिट तो उसको मिल रहा है ना, सो इट्स वेरी नेसेसरी, फिर वो स्मॉल बिजनेस ही क्यों ना हो, उसको प्रॉफिट तो मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। इज इट कंपल्सरी टू गेट बुक ऑफ ऑडिट, वेरी नेसेसरी, मेरे लिहाज से तो मतलब है, बाकी ये जो बता रहा है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस शैल है गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इफ द सेल्स टर्न ओवर और द ग्रॉस रिसीट इन सेल बिजनेस एक्सीड, अगर 60 लाख से ज़्यादा हर साल 60 लाख तक उसकी जा रही है, तो उसको ऑडिट करवानी बहुत लाजमी है, याद रख लें ऑडिटेड बिजनेस, अगर 60 लाख से ज़्यादा है। इफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इफ हिज ग्रॉस रिसीट 15 लैक्स इन अ प्रीवियस ईयर, अगर किसी बंदे की साल में 15 लाख है तो उसकी भी ऑडिटिंग होनी चाहिए, ये लाजमी है। अगर किसी मतलब प्रोफेशन में उसका कोई ऐसा हुनर है, मतलब कोई जॉब है,
है, फिर हम आ जाते हैं अपने असल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स कौन कौन से होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में? ये पी एंड एल बनाना पड़ता है। हम पहले सैलरीज लेते हैं पर्टिकुलर्स में, फिर उसका अमाउंट लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैरिंग आउट वर्क, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है सामान को अंदर आने में, फिर रेंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स पेड, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ऑडिटिंग फी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, रिजर्व, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको सारी मिलानी पड़ेगी। फिर उसके साथ ये जो है ना बे हा बाय बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड डेट रिकवर्ड हुआ तो वो भी आप मेंशन कर रहे हैं, डिवाइड डिविडेंड आप सब्ट्रैक्ट करें, कमीशन मिला है वो ऐड कर लें, बाय रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है वो कमीशन, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको बनाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कि टोटल प्रॉफिट आपको मिला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ड्राइंग्स आपको पता रहे, डोनेशन पता है। फिर हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपका एक मतलब ये देखिए ना, ये आपके अकाउंट है, ये आपके जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपको रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं एनी हाउ। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, मतलब आप किसी भी किस्म की अकाउंटिंग यूज़ कर सकते हैं, सो नो इशू एट ऑल। फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेसिकली, क्या है बेसिकली मैं तो आपको बताता हूँ, फिर पर्टिकुलर ये है ट्रेड, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपका अपनी स्टॉक कितना है, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा मेथड है, मैं आपको थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या है कि आपके पास अवेलेबल मटेरियल कितना है, फिर आपने कुछ परचेज किया, फिर रिटर्न आउटवर्ड मतलब कुछ सामान जो ना अब जो भी परचेज की तो वो अच्छा नहीं था वो भी आपने वापस कर लिया, वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर कैरिंग कैरेज इन्वर्स, कुछ चीज़ें आपको लाने में जो मतलब अंदर आने में जो है ना कुछ पैसे लगे, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, लाइक सैलरीज हो गई, लाइक लेबर्स हो गए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल भी आपने कभी सुना होगा, डायरेक्ट लेबर भी सुना है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपको डायरेक्ट मटेरियल पे लग रहे हैं। ठीक है, फिर आपने सेल्स कितना किया, सेल्स के बाद रिटर्न इन्वर्स मतलब जितना आपने बेचा उसमें से कितना आपको वापस आया, जो आपने खराब बेचा होगा वो आप वापस आया, फिर आप उस मतलब ओवरऑल सेल्स को मतलब क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास कितना सामान बचा है अभी सेल करने के लिए, फिर वो सारा मिला के आप करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर ओपन वैल्यू ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब प्राइस बढ़ गई और वैल्यूएशन मतलब जो है ना वो ज़्यादा हो गई, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और प्राइस डाउन हो गई तो डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मटेरियल बढ़ रहा है एंड जो सेलिंग मटेरियल है वो डी डाउन हो रहा है, मतलब उसकी प्राइस डाउन हो रही है, दोनों की प्राइस अप्स एंड डाउन हो रही है, तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट तो डाउन होगा ही होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब जो मुझे सामान चाहिए वो सस्ते में मिल रहा है और जो मैं बेच रहा हूँ उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्रॉफिट व्हिच इज एवर लेस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बेसिकली मैंने कहा ना प्रॉफिट मार्केट प्राइस होती है, कॉस्ट होती है जो हमें हमेशा लेस करनी चाहिए, व्हिच इज एवर लेस, जो हमें कम से कम हो तो बेटर है। फिर सम ऑफ बिजनेस डिडक्शन, कोई बिजनेस डिडक्शंस भी है जिसमें वो आप कोई बिजनेस डिडक्शंस नहीं होते, सो आप क्या कहते हैं इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इन एडमिसिबल है जिसको हटाया नहीं जा सकता, दे आर हैव टू बी क्लेम्ड, उसके क्लेम करना लाजमी होता है, बट नॉट अलाउड बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अलाउड नहीं होता पर डेबिट एंड क्रेडिट हो सकते प्रॉफिट लॉस लॉस अकाउंट से। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, प्रोविजन्स हो या कोई रिजर्व्स आपके पास पैसे पड़े हैं, डायरेक्ट टैक्स लगा, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये भी आपको डिडक्ट करने पड़े हैं, सैलरी, ये नज़र नहीं आते लेकिन लग चुके हैं, ये ऐड हो चुके हैं ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों में ऐड हो चुके हैं, रेंट और सैलरी पेड टू सेल्फ और एंड अदर पर्सनल ड्राइंग, वो जो चीज़ें आपने खुद निकाल ली है लेकिन सॉरी टू से, लेकिन वो चीज़ें दिखाई नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होती हैं, आप परेशान ना हो, लेकिन ये इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस है जो नज़र तो नहीं आते लेकिन बर्दाश्त तो करने पड़ते हैं, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट, फाइन एंड पेनल्टी, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र नहीं आएंगी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये उसमें मेंशन हुई होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है, नो, इसका एक एक जनरल अकाउंट बन जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें लगा दी जाती हैं, पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, लॉस बाय थीफ, ट्रेड होम, मतलब ये सारी मिली जुली मिला सुला के ये सारी बन जाती हैं इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस।
और भी हैं, और भी इसमें बहुत बड़ा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ज़्यादा प्राइस लग गई, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो प्राइस है ना हमारी सेल की वो डाउन हो गई, तो म्यूनसिपल टैक्स आ गया, एक्सपेंसेस प्रेयर टू इनकॉर्पोरेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे इनमेजिबल एक्सपेंसेस होती हैं, ये हम दिखाई नहीं देते, नज़र नहीं आती, लेकिन होती हैं, बिजनेसेस पेड करते हैं। ठीक है, चलो अब हम इनएडमिसिबल, कुछ मैंने आपको बताया कि इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं लेकिन हमें देने पड़ते हैं। अब हम कुछ एडमिसिबल इनकम ऐसी है जो नज़र नहीं आती लेकिन हम ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब रेवेन्यू में, इनकम में, या ऐसे कुछ में, जैसे पार्टी टाइम सैलरी, पार्ट टाइम सैलरी, अगर आपने किसी पार्ट टाइम सैलरी कर ली, या आप पार्टनर टाइम सैलरी दे रहे हैं, या पार्ट टाइम आपने कोई सर्विसेज दे दी है तो वो भी आप ऐड कर लेते हैं, बैंक इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट में, बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा लिए उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टमेंट हैं, आपने कहीं और इन मतलब क्या कहा जाए कि यार डिपॉजिट करवा लिए हैं तो वहाँ पर किसी कंपनी के मतलब स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन अब दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मतलब कैपिटल गेन कह सकते हैं आप इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कह सकते हैं, वो ऐड करके इनकम में डाल दें, सो ये सारी चीज़ें हैं ना इनएडमिसिबल इनकम हैं, ये शो होती हैं, इसके नंबर्स ऐड किए जाते हैं लेकिन इसके नाम नहीं आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्रोफेशनल इनकम, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जो खर्चे साइंटिफिक रिसर्च में किए जाएं, मतलब जैसे अभी कोरोना आ रहा है उस पर जो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर कंपनीज कर रही हैं राइट नाउ, सो वो जो मेड करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, इज एडमिसिबल टू द एक्सटेंट ऑफ 150% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड इन हाउस रिसर्च, मतलब ये सारी चीज़ें जो एक्सपेंसेस है ना R&D, वो नाम के शो पर नहीं होगी लेकिन वो ऐड ज़रूर होंगी या सब्ट्रैक्ट ज़रूर होंगी। ठीक है, फिर पर्मनरी एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो लाइक टू चार्ज ए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट दे दे जाते हैं किसी मतलब शेयर पे, किसी कैपिटल पे, सो ये भी चीज़ें होती हैं। फिर डेप्रिसिएशंस होती हैं, ये डेप्रिसिएशन भी हमने बता था, समझी, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डबल डिक्लाइन मेथड होता है, सो ये भी चीज़ें होती है। फिर पूजा एक्सपेंसेस, अगर यू आर, इफ़ यू आर हिंदू आर मुस्लिम, फिर आपने मतलब कोई उजा वाला एक्सपेंस, मतलब आपने कोई बकरा हलाल करना है, या मतलब कोई खैरात करनी है, या कोई मतलब मिलाद वगैरह करवाना है कंपनी में, तो वो भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो अलाउड होते हैं, नज़र आते हैं, बट वो दिखाई नहीं देते, मतलब पी एंड लॉस में जो है ना वो शो नहीं होते। एक्सपेंसेस ऑन द कैपिटल इनकम टैक्स अपील इज अलाउड, ये भी चीज़ें होती है पर्मनरी, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये होती हैं। फिर डिप्रिसिएशन, मैं एक चीज़ बताता हूँ, डिप्रिसिएशन डिपेंड ऑन असेट्स, तो वो असेट जो है ना वो ओन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो असेट किस नेचर का है, क्या वो जो मतलब अर्निंग है वो विद इन दी उसकी मतलब लाइफ जो है उसके मतलब 25, मतलब अगर उसके 10 दिन है तो वो पहले 3 दिनों में अपनी सारी अर्निंग देता है, फिर देन बिल्डिंग आ गया, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर आ गया, इंटेंजिबल एसेट, ये परसेंटेज है, रिड्यूसिंग मेथड में परसेंटेज यूज़ किए जाते हैं, बुक्स एंड पब्लिकेशन 100%, 10%, 15%, 15%, सो ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब डिप्रिसिएशन की टाइप पे आ जाती हैं, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अभी हम प्रोफार्मा पे बात कर रहे हैं, तो ये प्रोफार्मा है जिस पे हमने पहले हम क्या करेंगे, P&L स्टेटमेंट में हम इनकम ऐड करेंगे, फिर इन एडमिसिबल एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जो नज़र नहीं आते P&L स्टेटमेंट में, लेकिन वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडमिसिबल इनकम वो जो अगर कोई और है तो हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे, फिर एडमिसिबल इनकम दूसरी भी ऐड कर लेंगे, फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, फिर इनको टोटल करेंगे, कुछ एडिशन होगी, कुछ सब्ट्रैक्शन होगी, फिर हम देखेंगे वो एडमिसिबल मतलब और एडमिसिबल एक्सपेंसेस है जो मतलब हमें बाद में अकर हुए या मतलब वो बाद में लिखने चाहिए थे, तो वो भी हम सारे यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम टोटल करेंगे, फिर जो टोटल निकला इनकम फ्रॉम बिजनेसेस हो जाएगा,
इनएडमिसिबल इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली दिखाई नहीं देती, मतलब वो P&L स्टेटमेंट में शायद नज़र ना आती हो, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा ओवरऑल बिजनेस क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। सो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। थैंक्स अ लॉट। फी अमान अल्लाह।